क्या चल रहा है भैया? मारती मारती मोर बना दूंगी। सीएनजी वाली गाड़ी कहाँ है आपकी? अरे मेरा फरीदा क्यों कर रहे भैया? मेरे अभी लूंगी गाड़ी, अभी जस्ट घर से निकली हूँ, समझ में नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी लूँ कौन सी नहीं लूँ। अभी धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक अपना ओला उबर है ना, बीएमडब्ल्यू लूँ। चलो आपके मुँह में घी शक्कर। थैंक यू। क्या आप मराठी बिग बॉस को कम समझते हैं क्या? ये मतलब हिंदी बिग बॉस से? नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी मतलब आप ऐसे बोलती रहती थी कि मराठी का विनर है, मराठी का विनर है, तो हिंदी और मराठी में क्या डिफरेंस? वो मैं इसलिए बोलती थी जो शिफ्ट था। देखो मैं तो एक बार आपने शिफ्ट ने आपके साथ स्ट्रैटेजी भी की थी कहीं ना कहीं, उसके बारे में भी क्या कहना चाहोगी? नहीं वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि देखिए जैसे कि मैंने सच बताऊँ मैंने बिग बॉस भी नहीं देखा, थोड़ा सा ही देखा। अभी जो शिव है उसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि वो मराठी बिग बॉस जीत के आया है, तो उसको पता है कि उसको कैसे 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 क्या करना है क्या नहीं करना है। उसने दिमाग का यूज किया, इसलिए वो टॉप टू में था। हाँ टॉप टू में था। और रही बात मेरी, मैंने दिमाग का यूज ही नहीं किया, मैं बस जस्ट ऐसे जैसे घर में रह रही थी वैसे कर रही थी। और रही बात मैं मराठी बिग बॉस को बिल्कुल भी कम नहीं समझती, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, कन्नड़ा बिग बॉस भी अच्छा है, तमिल बिग बॉस भी अच्छा है, सबकी जो वैल्यू है वो सबका अलग अलग है। बट शिव में एक प्लस पॉइंट ये था कि वो वहाँ से जीत के आया था, तो उसको पता है कि भैया क्या चीज़ें करनी है। उस चीज़ में मैं थोड़ा वीक पड़ गई होंगी जो मुझे लगता है। बस डायलॉग तो बोलते जाइए।